नमस्कार, मैं हूं महक विश्नोई और आप देख रहे हैं एसएस लोकल लाइव। नजर डालते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। चुनाव आयोग की ओर से प्रचार प्रसार के लिए छूट मिलने के साथ ही भाजपा ने अपना चुनाव प्रचार अभियान और तेज कर दिया है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुरादाबाद की कांट विधानसभा सीट पर कैंपेन किया। भाजपा के उद्घोष से पूरा वातावरण गूंज उठा। चुनाव आयोग की ओर प्रचार प्रसार के लिए छूट मिलने के साथ ही भाजपा ने अपना चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुरादाबाद की कांट विधानसभा सीट पर कैंपेन करने पहुंचे। कांट में रक्षा मंत्री महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसके बाद वो कांट में डोर टू डोर कैंपेन करने भाजपा प्रत्याशी राजेश उर्फ चुन्नू के लिए वोट मांगने पहुंचे। आप सभी जानते हो कि बिजली की पहले क्या स्थिति थी, इस प्रदेश के अंदर 4 घंटे और 5 घंटे बिजली मिलती थी। आज बिजली आपको 18 घंटे बिजली मिल रही है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कृपा से जो भी उन्होंने वादे किए वो पूरे किए। बिजली का वादा किया, बिजली चल रही है। कई जगह बात आती है कि साथ बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, तो बिजली के बिल भी सरकार ने आधे कर दिए। वैसे सही बात तो यह है, जब बिजली 4 घंटे आती थी तो बिजली के बिल कम आते थे, जब बिजली 18 घंटे आ रही है तो बिजली के बिल तो थोड़े ज्यादा आएंगे। तो जब बिजली मिलेगी आपको तो बिजली का खर्चा भी ज्यादा ही होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी किसान का कर्जा, हमारी सरकार बनते ही बात करेंगे हम सीमांत किसान कर्जा। जब सरकार बन गई उत्तर प्रदेश में तो सबसे पहले किसान का कर्जा 1 लाख रुपए तक का कर्जा माफ किया गया और उसमें भी कोई भेदभाव नहीं किया गया। मैं जाने क्योंकि आज आप माननीय हमारे रक्षा मंत्री जी आज हमारे बीच में है, तो बोलेंगे और उन्हें समय भी चाहिए, तो मैं अपनी बात को सूक्ष्म करते हुए कहना चाहता हूँ कि देखिए आप सबका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। बहुत बार आपने मुझे वोट दिया है, बहुत बार मैं 2 बार मैं आपकी वजह से विधानसभा में पहुंचा हूँ। आज फिर ऐसा मौका आया है, मेरे बस की जो सेवा थी इस समय में 5 साल के अंदर मैंने आपकी की, और मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूँ, सभी भाइयों का अनुरोध करना चाहता हूँ, देखिए एक बार फिर समय आया है। ये फिर इस कांट विधानसभा में दूसरा मौका होगा जब संजय आजाद हुआ है कि कोई विधायक दोबारा विधानसभा में लगातार पहुंचेगा। आज ऐसा मौका आपके सामने है, आप इस मौके को गंवाना मत। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, आपके चरणों में नमन करके कहता हूँ कि आने वाली 2 तारीख को आप सब लोग वोट के बटन को दबा, वोट के निशान को बटन दबाकर आप भारतीय जनता पार्टी को कामयाब बनाए। इस दौरान उन्होंने मंच से भारत माता के उद्घोष के साथ अपनी बात को शुरू किया और बोले कि उन्होंने सोचा नहीं था कि इतनी भारी बारिश और ठंड में भी इतने लोग यहां पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि वे शीश झुकाकर सभी का अभिनंदन करते हैं। साथ ही कहा कि आप सभी ने 2017 में भाजपा की सरकार बनाई और भाजपा के कार्यों से आप हमसे कहीं ज्यादा परिचित हैं। साथ ही कहा कि इस बार के चुनाव की अहमियत को आपको समझना होगा। एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नए भारत का निर्माण हो रहा है और इस नए भारत के सपने को आपको साकार करना है, वहीं उत्तर प्रदेश को भी एक नए उत्तर प्रदेश के रूप में बनाना है। साथ ही कहा कि भाजपा ने आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं दिया और ना ही टूटने देगी। नेताओं की कथनी और राजनीति और करनी में बहुत अंतर है। भारत की राजनीति और नेताओं के प्रति जनता का भरोसा कम होना स्वाभाविक है। आगे वो क्या बोले आप भी सुनिए। पहले आपने देखा कि हमारे अध्यक्ष जी उन्होंने अपना आसमान ढक रखा है लेकिन मेरा आसमान खुला हुआ है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री राजपाल जी चौहान, यहां के लोकप्रिय विधायक श्री राजेश कुमार जी, सदस्य विधान परिषद डॉक्टर जयपाल जी व्यस्त, ओम प्रकाश जी गोला, कहाँ है गोला जी, अच्छा वहां बैठे बहुत विधानसभा प्रभारी, और श्री राजन विश्नोई जिला महामंत्री, श्री हुकुम सिंह जी पूर्व जिला महामंत्री, श्री अजीत खड़खड़ी विधानसभा प्रभारी, श्री ब्रजेश कंवर, श्री रिंकू गोस्वामी चेयरमैन, श्री राजपाल प्रजापति, श्री रामकिशोर सिंह, श्री जीवन सिंह, श्री मयंक अग्रवाल, श्री विनोद सोनी, श्री हेमंत चौधरी, और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों और भाई,
बहन भाइयों, मैं देर से आया हूं लेकिन दुरुस्त आया। मौसम का मिजाज ठीक नहीं था, फिर भी मौसम का मिजाज ठीक न होने के बावजूद उसका मुकाबला करते हुए आपके बीच आए और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग मौजूद हैं, इसी मुझे कल्पना नहीं। मैं तो यमान कर चलता था, बाद मुश्किल इतनी कड़कड़ आती ठंड, हवा तेज चल रही है, वर्षा हो रही है, बाद मुश्किल 200-400 लोग इकट्ठे हैं, हमारी धारणा ये। और यहां पहुंचते ही आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, और मैं जानता हूं कि भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है, स्वागत अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहन भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। बहन भाइयों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस भारत का सबसे बड़ा भाग्य है तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 2017 में आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में क्या किया है क्या नहीं किया है, हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से परिचित। मैं इस संबंध में बहुत विस्तार में जाने की कोशिश नहीं की, लेकिन इस बार के लोकतंत्र, इस बार के चुनाव की अहमियत आपको समझनी होगी। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है, तो मेरे भाई यदि हमको नए भारत के स्वप्न को साकार करना है तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश भी एक नए उत्तर प्रदेश के रूप में हमको आना है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी आपके भरोसे को न टूटने दिया है न टूटने देगी। आजाद भारत के इतिहास में राजनेताओं ने जनता के साथ बहुत सारे वादे किए, आंशिक रूप से भी अपने वादों को पूरा कर दिया होता, पता नहीं कितने वर्षों पहले ही हमारा यह भारत दुनिया का ताकतवर देश बन गया। नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास स्वाभाविक रूप से कम होता चला गया और भारत की राजनीति में विश्वास का संकट आया। लेकिन भारत की राजनीति में विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में यदि किसी ने स्वीकार किया है तो अकेली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जिसने इस चुनौती को स्वीकार किया। बहनों भाइयों, जो हमने कहा है वह किया है और जो कहेंगे उसे हम पूरा करेंगे, यह है भारतीय जनता पार्टी का। मैं उदाहरण सैकड़ों दे सकता हूं लेकिन आपके सामने केवल 2-3 ही उदाहरण देना चाहूंगा। आपको याद होगा जो हमारे पुराने लोग हैं अथवा पढ़े लिखे लोग जिन्होंने कि भारत के राजनीति के इतिहास को अच्छी तरह पढ़ा है उन्हें भी इस बात की जानकारी होगी। 1951 में जब हम लोग भारतीय जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी हमारे अध्यक्ष हुआ करते। उस समय जब पहला चुनाव हम लोग गए तो अपने घोषणा पत्र में हम लोगों ने शामिल किया था जिस दिन हमारी सरकार बन जाएगी केंद्र में और स्पष्ट बहुमत हमको मिल जाएगा तो धारा 370 जिस के तहत जम्मू काश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है हम चुटकी बजाकर धारा 370 को समाप्त करेंगे और जम्मू काश्मीर का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। बहनों भाइयों, उसको करके हम लोगों ने दिखा दिया। हम लोगों ने यह भी कहा था भारत का विभाजन एक तो होना नहीं चाहिए था, लेकिन भारत का विभाजन हो गया, भारत और पाकिस्तान बन गया। लेकिन भारत से बहुत सारे लोग या तो पाकिस्तान में रह गए
अथवा किसी कारण से पाकिस्तान में चले गए, लेकिन वह अल्पसंख्यक थे, यानी हिंदू थे, सिख थे, ईसाई थे, पारसी थे, यहूदी थे, मूल रूप से यदि वह भारत के निवासी थे। लगातार पाकिस्तान में उनका धार्मिक उत्पीड़न होता रहा, और धार्मिक उत्पीड़न के कारण जब भारत आते थे, भारत में शरण लेते थे, भारत की नागरिकता चाहते थे, तो आसानी से उन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिली। हम लोगों ने वादा किया देश की जनता के साथ, जब तक हमारी सरकार बन जाएगी, धार्मिक उत्पीड़न के कारण चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अथवा अफगानिस्तान, कोई भी हमारा हिंदू भाई, कोई भी हमारा सिख भाई, ईसाई भाई, पारसी भाई, यहूदी भाई, यहां तक कि भारत का रहने वाला कोई मुसलमान, यदि उसका धार्मिक आधार पर कहीं उत्पीड़न होगा, जो भारत आना चाहेगा उसे हम भारत की नागरिकता प्रदान करेंगे भाई भाइयों, और नागरिकता का कानून हम लोगों ने भारत की संसद में पारित किया। यह है भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र। मैं याद दिलाना चाहता हूं 1984 से भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बराबर, जब तक हमारी सरकार बनेगी स्पष्ट बहुमत हमको संसद में हासिल हो जाएगा, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर, बहनों भाइयों अब वह स्वप्न नहीं रह गया, स्वप्न साकार होगा, यानी जो भी हम लोगों ने कहा उसको करके दिखाया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं किसी भी सूरत में भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी विश्वास का संकट नहीं पैदा होगा, जो हम कहेंगे करके दिखाएंगे। 2014 में मैं भी उस समय भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे। बहनों भाइयों, मोदी जी के भारत का प्रधानमंत्री के बनने के बाद क्या क्या हुआ है उससे आप अच्छी तरह परिचित हैं। पहले हालात इस प्रकार के थे कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था, दुनिया गंभीरता पूर्वक से सुनती नहीं थी। भारत कमजोर भारत है, बोलने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आज भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है बहनों भाइयों, सारी दुनिया गंभीरता पूर्वक कान खोलकर सुनती है। यह भारत की हैसियत पूरी दुनिया में बनी। कैसे बनी? भारत के स्वाभिमान के साथ हम लोगों ने कभी समझौता नहीं किया, और न कभी भारत के स्वाभिमान के साथ हम लोग कभी समझौता करेंगे। भारत में गरीबी 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 की बराबर चर्चा होती रही। मैं यह दावा नहीं करता कि भारत से गरीबी पूरी तरह से समाप्त हो गई, लेकिन गरीबी दूर करने के लिए जो प्रभावी पहल होनी चाहिए, पिछले 7-7.5 वर्षों में हमारी केंद्र की सरकार ने वह प्रभावी पहल की है, यह हम अपने दावे के साथ कह सकते हैं। 2014 में शपथ लेने के बाद, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री जी हम दोनों लोग साफ मंच से जन गए, हमारे पीड़ित के मित्रों ने घेर लिया, ताकि मोदी जी कुछ बोलिए बोलिए बोलिए। तो मोदी जी ने कहा कि हम प्रेस मिलेंगे आप प्रेस के मित्रों से, कुछ बोलिए, कुछ तो बोलिए, एक दो वाक्य बोलिए। मैंने कहा कि कुछ बोलिए, तो मोदी जी ने एक ही वाक्य बोला, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भारत के गरीबों को समझ गई। भाइयों, एक छोटी बात नहीं थी, यह दिल से निकली हुई बात। गरीबों के लिए हमारी सरकार ने क्या क्या किया है, आप सब उससे अच्छी तरह परिचित है। उन्होंने कहा था हम हिंदुस्तान में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहने देंगे जो कि झोपड़ी में अपनी जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हो, हर व्यक्ति को हम पक्का मकान मुहैया कराएंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं लगातार साथ में बड़ी संख्या में लोगों को पक्के मकान मिले होंगे, और जिनको नहीं मिल पाया है किसी कारण से, उनको मकान मिलकर रहेगा। बहनों भाइयों, कच्चे मकान के नीचे अपनी जिंदगी बसर करने के लिए कोई मजबूर नहीं होगा, यह मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। जब गरीब माताओं बहनों, बहुत सारी मध्यम वर्गीय परिवार की माताओं बहनों, जब हम लोग
देखते थे, क्या मीठी जला लकड़ी जलाकर धुएं में उन्हें खाना पकाना पड़ता है, उनकी आंखों से ये आंसू निकलते हैं। बहनों भाइयों, उस आंसू के दर्द को शायद किसी ने नहीं समझा। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा हम इसे हिंदुस्तान में एक भी घर से कहीं बचने देंगे जिस घर में रहने वाली हमारी माताएं बहने एलपीजी गैस से खाना न बनाए, ऐसी एक भी परिवार नहीं रहे। हमने इस काम को ही किया, इस काम को भी हमने कोरोना की महामारी थी, मुंबई कलकत्ता दिल्ली, मुंबई कलकत्ता अन्य बहुत स्थानों से दिल्ली से भी लोग अपने अपने घरों को पलायन कर रहे थे, क्योंकि उनको लगा कि अब तो लॉकडाउन हो गया है, सारे काम बंद हो गए हैं, हमारी रोजी रोटी चली गई है, हम अपने बच्चों का लालन पालन कैसे करेंगे, हम कैसे उनको खिलाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने कोरोना के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट के बावजूद गरीबों का दर्द कम करने के लिए उसी समय फैसला कर दिया, जब तक यह संकट बना रहेगा हम अपने हिंदुस्तान के गरीबों को प्रति दिन हर महीने दो बार मुफ्त राशन मुहैया कराएंगे। बहनों भाइयों, और मैं कह सकता हूं कि हर परिवार को मुफ्त राशन मुहैया कराने का काम आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने किया है। हमारी सरकार किसानों का यहां का प्रश्न है, किसानों के प्रति भी हमारी सरकार कितनी संवेदनशील है। मैं भी गांव के रहने वाला, मैं बड़े बाप का बेटा नहीं, मैं भी सामान्य किसान परिवार से ही आता, किसानों की समस्याओं से मैं अच्छी तरह वाकिफ, किसानों की क्या क्या समस्याएं थी यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं सारी समस्याओं की यहां पर चर्चा भी बहुत विस्तार में जाकर नहीं करना चाहता। लोग कहते हैं साहब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, धान और गेहूं खरीदा जाना चाहिए। मैं भाई इतनी बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इसके पहले की जितनी पिछली सरकारें रही हैं सबसे अधिक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर धान गेहूं किसी ने खरीदा है तो हमारी सरकार ने। अभी संसद में कल ही बजट पास हुआ, परसों पहली तारीख पेश किया गया है बजट। उस बजट को उठाकर आप देखिए, पहली बार आजाद भारत के इतिहास में मुकम्मल व्यवस्था की गई है धान और गेहूं की खरीद करने के लिए, और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान और गेहूं की खरीद करने के लिए 2,37,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बहनों भाइयों, जिस प्रकार की मुकम्मल व्यवस्था हमारी सरकार ने की, जितने भी ऐसे प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं किसानों के कल्याण के लिए हमारी सरकार उठा रही है। इतना ही अन्य लोगों के लिए, अब जैसे मैं ग्रह हमारे कुछ किसान भाई जो 3 किसान कृषि संबंधित बिल पास हुए थे संसद में, कानून बने थे, उसको लेकर उन्हें आपत्ति थी, आपत्ति हो सकती है, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि यह किसानों के लिए बहुत ही कल्याणकारी, मनाने की समझाने की भरपूर कोशिश हुई, लेकिन यह बहुत तैयार नहीं हुए। एक दिन हमारे प्रधानमंत्री सुबह उठे और उन्होंने तुरंत टेलीविजन के ऊपर घोषणा कर दी कि मैं इसे अपनी विफलता मानता हूं कि तीनों कृषि संबंधित कानूनों के संबंध में मैं अपने कुछ किसान भाइयों को सहमत नहीं कर पाया हूं, उन्हें राजी नहीं कर पाया हूं, इसलिए तीनों कानून वापस दिए जाएंगे संसद के द्वारा उन्होंने घोषणा। बहनों भाइयों, शायद दूसरा प्रधानमंत्री होता इस संवेदनशीलता का परिचय न देता कि जैसा हमारे प्रधानमंत्री ने संवेदनशीलता का परिचय दिया। एक बार संसद से कानून पास हो जाने के बाद चाहे जो कुछ भी हो जाए यह कानून लागू होगा। हमारी सरकार ने गांवों के हालात को सुधारने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए, किन किन चीजों की मैं यहां पर चर्चा करूं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, मध्यम वर्गीय परिवार, यहां की माताएं नहीं, घर में पानी के लिए दूर कुएं में पत्ती जलाशय पर जाकर खड़े में पानी भरकर दो दो तीन तीन धरा एक के ऊपर घड़े घड़े को ऊपर धरा भर कर लौटती थी।
पानी लेने का समय हो गया तो जाना ही जाना है, कुएं पर जाना है, पर जाओ के हमारी सरकार ने फैसला किया है। तो भाइयों कोई भी किसी भी माता बहन को अब पानी के किसी कुएं पर साक्षी जलाशय के सामने जाकर खड़े होने की जरूरत नहीं है, अब घर घर में नल होगा और नल में जल। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि यहां पर भी बहुत सारे परिवारों में नल पहुंच गया होगा और नल से जल लोगों को प्राप्त हो रहा होगा। न प्राप्त हो रहा तो हाथ धुलाई नहीं हो रहा, हो रहा है तो हाथ उठाइए, हो रहा है कि नहीं हो रहा। और जिन परिवारों में नहीं पहुंचा होगा पहले भाइयों, उन परिवारों में पहुंच गए। मैंने हमारी पार्टी की सरकार जहां भी रही है, चाहे प्रदेश में रही है चाहे केंद्र में रही, वो विश्वसनीयता साफ होती रही। और मैं यही कहना चाहूंगा, जाति पंथर मजहब के आधार पर राजनीति करने वाले हम लोग नहीं, इंसाफ और इंसानियत के आधार पर राजनीति करें। यह समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी हिंदू मुसलमान जात पात के आधार पर देश को बांटना चाहती है। उन्हें इस सच्चाई को समझना चाहिए, भारत के चरित्र को समझना चाहिए। भाई भाइयों दुनिया का अकेला देश है यह भारत, जिस भारत के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने पूरे भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारी दुनिया को किसी देश की धरती से गया है तो केवल और केवल भारत देश की धरती से गया है। पूरे विश्व को ही हमने परिवार माना है, हमारी सदस्यता हमारी उदारता इस सीमा तक रही है। नाग पंचमी के दिन भी जहां से हर सर को भी दूध पिलाकर कामना करने वाला कोई है तो भारत के घर में रहने वाले लोग हैं। यही वे सर को भी नाग पंचमी के दिन दूध पिलाकर उसके दीर्घजीवी होने की कामना करते हैं। ऐसे भारत को आप जाति पंथ और मजहब के आधार पर यह सपार बत्ता बांटते हैं सरकार बनाने से सपा बसपा कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहूंगा, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जाती है, राजनीति देश बनाने के लिए की जाती है। मेरे बहनों भाइयों राजनीति समाज बनाने के लिए की जाती है। यह तरीका नहीं जिस तरीके से राजनीति कर रहे, समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही है, आपने देखा होगा गुंडे बदमाश कितने हौसले उनके बनने, माफिया डंके की चोट पर अपने सीने का मतलब खोलकर चलते। आज किसी मां के बाप की हिम्मत है चलने का? और हमारा बुलडोजर वाला बाबा को जहां भी कोई गड़बड़ करता है बुलडोजर छोड़। और ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि बुलडोजर चलाकर केवल उनके जो भी उन्होंने बिल्डिंग अथवा महल बना रखा है उसको तो केवल धराशायी कर देता है, बल्कि जिस जमीन पर वह बिल्डिंग बनी है वह महल बना है वहां पर गरीबों के लिए घर बनवा है। और आप जानते हैं विकास की पहली शर्त होती है चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था। जब तक चुस्त और कानून व्यवस्था नहीं होगी तब तक किसी राज्य का अथवा देश का किसी नीति गत में विकास नहीं होगा। पहली शर्त को, विकास की पहली शर्त को हम लोगों ने पूरा किया। यदि समाजवादी पार्टी की सरकार आगे आएगी तो बहनों भाइयों सब सारे गुंडे बदमाशों के हौसले बुलंद हो जाए, माफियाओं का वैसे ही मोल वाला हो जाए। क्या आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में यही सत्तारी चीजें दोहराई जानी चाहिए? विकास यदि हमने कानून और व्यवस्था को नियंत्रित किया है तो विकास दूसरी तेजी के साथ होगा। हर ब्लॉक और तहसील को दो रेल की पक्की सड़कों से जोड़ा गया, पहली बार आज भारत के इतिहास में गांव को पक्की सड़कों से जोड़ने का सिलसिला यदि किसी ने प्रारंभ किया था तो भारत माता के सपूत हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रारंभ किया। हमारे मोदी जी इस काम को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं।
गांव के विकास के लिए जो भी हो सकता है वैभव आयो हमारी सरकार ने करने की कोशिश की है, बहुत कुछ करना शेष है, करेंगे। अब किसानों के किसान अपने खेतों में दवा छिड़कने के लिए हाथ से जाकर दवा छिड़कता, अब उसकी जहरीली गैस उसके फेफड़े में भी प्रवेश करती, लेकिन अब इस बार के बजट में हम लोगों ने व्यवस्था कर दी है कि अब किसान को अपने हाथ से दवा नहीं छिड़कनी पड़ेगी, अब ड्रोन बनाए जाएंगे, ड्रोन से खेतों में दवा छिड़की। एक से एक कदम हमारी सरकार ने किन किन चीजों की मैं यहां पर चर्चा, लेकिन चाहे सपा हो बसपा हो कांग्रेस बराबर देश की जनता को गुमराह करते हैं। कल आपने देखा होगा कांग्रेस के शाहनशाह हैं राहुल गांधी, कल हमने क्या कहा संसद आपने सुना अंग्रेजी में बोल रहे थे, आप लोगों को समझ नहीं आया, आप लोगों को समझ नहीं आया, उन्होंने कह दिया इस समय की जो मोदी जी की सरकार है उनकी गलत नीतियों के कारण पाकिस्तान और चीन आपस में दोस्त हो गए। बयानबाजियों में कहना चाहता हूं यह बयानबाजी पूरी तरह से गलत, हमारे प्रधानमंत्री की हमारी केंद्र की सरकार की जो विदेश नीतियां हैं उन पर कोई सवाल या निशान नहीं लगा। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो बहनों भाइयों उस समय पाकिस्तान ने सख्त गांव की घाटी को चीन के हवाले कर दिया था, इतनी गहरी दोस्ती चीन और पाकिस्तान की। इतना ही नहीं जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थी तो पाक अधिकारी काश्मीर का जो काराकोरम जो हाईवे है वह उस समय भी पाकिस्तान और चाइना के बीच की गहरी दोस्ती, और आप उनका ही हम लोगों के ऊपर आरोप लगाए, यहां तक कि गलवान घाटी में हमारे सेना के जवानों ने जो अपना शौर्य पराक्रम का परिचय देते हुए भारत की धरती की रक्षा की, उन सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर भी आप सवाल या निशान लगाए। गलवान घाटी में जिस तरीके से हमारे सेना के जवानों ने अपनी बहादुरी का परिचय देते ही अपना बलिदान देते हुए भारत की एक इंच धरती को भी नहीं जाने दिया पाकिस्तान के पास, उनका अभिनंदन किया जाना चाहिए, स्वागत किया जाए। और उसके ऊपर आप सवाल या निशान लगा रहे, आतंकवाद को लेकर आप चर्चा करते हैं, बहन भाइयों काश्मीर में आतंकवाद काफी कम हो गया है, उस पर काफी हद तक नियंत्रण पाने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की। मैं भी भारत का गृहमंत्री रह चुका हूं, मैं जानता हूं आंकड़े उठाकर कोई देख, एक बार की घटना है उरी और पुलवामा में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने आकर हमारे पैरा मिलिट्री फोर्स के जवानों के छिपकर उनके ऊपर हमला किया, कई हमारे जवान शहीद हुए। उसके बाद प्रधानमंत्री हम दो तीन अपने वरिष्ठ मंत्रियों को बुलाकर उन्होंने चटपट फैसला कर लिया कि हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, और आपने देखा कि हमारे बहादुर सेना के जवानों ने रहने वाले पाकिस्तान की धरती पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की और एयर स्ट्राइक की और आतंकवादी ठिकानों का पता, हमने सारी दुनिया को संदेश दे दिया भारत का चरित्र है, भारत न तो पहले दुनिया के किसी देश पर कोई आक्रमण करेगा और न तो भारत दुनिया की एक इंच जमीन पर कभी कब्जा किया है न करेगा, लेकिन भारत के स्वाभिमान पर कोई चोट मारने की कोशिश करेगा अथवा भारत की धरती पर कोई कब्जा करेगा तो भारत आज कमजोर भारत नहीं है, ताकतवर भारत बन चुका है। बहन भाइयों हम इस पार से भी मार सकते हैं, जरूरत पड़ी तो उस पार भी जाकर मार सकते हैं, यह सभी दुनिया को देगी।
पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती का प्रमाण है। यह हमारे शासनकाल में नहीं कारण होगा, मोदी जी के शासनकाल में नहीं कारण होगा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी यह प्रारंभ हुआ है, जो चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती का एक प्रतीक है, वो कांग्रेस के शासनकाल में प्रारंभ हुआ है 2013 में। आप अनाप शनाप झूठ बोल रहे, हम लोगों को बराबर बहनों भाइयों इन लोगों की नैया डूब रही है। क्या हालत है इनकी बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग को एहसास हो। अब लाल कोटली लेकर समाजवादी पार्टी घूम रही, लाल लाल कोटली भाई डूबते को तिरके बता। अब ये लाल कोटली की कितनी मदद है, अब समाजवादी पार्टी डूब रही है क्यों? अब लाल कोटली जीतना संभाले, अब ये जहां देखिए लाल कोटली लाल कोटली लाल कोटली। मैंने भाइयों अब समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आएगी, उत्तर प्रदेश के लोगों ने मन बना लिया, मना लिया है कि नहीं मना लिया है? मेरे बहनों भाई भ्रष्टाचार का जनता सब, आपने समाजवादी पार्टी की सरकार को भी काम करते हुए देखा है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार को काम करते हुए देखा है, दोनों के मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं दोनों सरकारों के ऊपर। कोई मां बड़ा मुझे उठाकर नहीं कह सकता, चाहे माननीय अधिकारी वाजपेयी जी की सरकार रही हो अथवा मोदी जी की सरकार हो अथवा हमारे योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश की सरकार हो, कोई मां का लाल मुझे उठाकर नहीं कह सकता किसी मंत्री के ऊपर कोई भ्रष्टाचार करता हो। और उनके बहुत सारे मंत्री आज भी जेल की हवा आ रही, सपा बसपा के लोग भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल की हवा, और वो लोग हमको उपदेश दे सब छोड़िए। मैं आपके विधायक इनके बारे में कहना चाहूंगा, पिछले बार भी विधायक थे, इसके पहले भी विधायक कभी रहे, राजकुमार जी राजेश कुमार जी, मैं राजेश कुमार जी को जानता हूं, और कोई कह सकता है राजेश कुमार जी ने यह काम कर दिया होता तो अच्छा है, यह नहीं किया वह कर दिया होता तो ज्यादा अच्छा, राजेश कुमार पर यह आरोप तो लग सकते हैं, लेकिन बहनों भाइयों कोई भी हो हमारा विरोधी दल का क्यों हो उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि राजेश कुमार जी के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाम। अब उनके हाथ उठाकर देख लीजिए, उनके हाथ उठाकर देख लीजिए जो प्रत्याशी बने सबका सबके पीछे कुछ न कुछ घर घर का कोई आरोप जरूर लगा हो, भारी भरकम गंभीर मामलों के केस दर्ज हो सकता है, हमारे यहां कोई आंदोलन कर रहा हो कोई वो कर रहा हो कि केस दर्ज हो सकते, लेकिन भ्रष्टाचार केस दर्ज नहीं हुए। आप लोगों से ही अपील करने आया हूं, आप विकास चाहते हैं मेरे बहनों भाइयों, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए और सीटों की संख्या पिछले बार से अधिक होनी चाहिए, इसके लिए आपसे आभार मांगा। और मैं कह सकता हूं जब होगा कानून का शासन तब विकास करेगा योगासन, और उत्तर प्रदेश में विकास योगासन कर रहा, आप लोग आसन करते ही नहीं, देखिए एशियन और नाम के सब करते हैं, बहुत लोग करते होंगे आजकल, प्राणायाम भी करते होंगे योगासन भी करते होंगे, मालूम है कितने योगासन होते हैं, मालूम है कितने योगासन 84। तो उत्तर प्रदेश में और इस देश में विकास 84 में से 83 योगासन कर रहा, एक योगासन हमने विपक्ष के लिए छोड़ दिया, जानते कौन सा योगासन विपक्ष के लिए छोड़ दिया, शीर्षासन, यह हमने विपक्ष के लिए छोड़ दिया।
विपक्ष के बीच होती है, क्योंकि जब भी इनकी सरकार बनती है विकास का माध्यम होता है। मैडम भाई आपको बिजली नहीं मिल रही थी योगी के शासनकाल में, मैं एक अच्छी आवाज से सुनना चाहता, बिजली मिल रही थी कि नहीं मिल रही थी? समाजवादी पार्टी के शासनकाल में इस प्रकार की आपको बिजली मिल रही थी? इसलिए होगा ट्रांसफार्मर नहीं ले जाते थे उस जमाने में? हाँ ट्रांसफार्मर ही ले जाते थे। आपको ले जाता ट्रांसफार्मर? जब गया ट्रांसफार्मर गया? नहीं गया। चंदा करके पहले लाते थे। तो बहनों भाइयों इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने आया कि आप सबका समर्थन चाहिए, आप सबका आशीर्वाद चाहिए, दे देंगे पक्का। मैं देखती ये कुछ लोग हैं मेरे को हाथ नहीं खा रहे हैं, आप देखिए और मीडिया लोग इनको देखिए, हमको क्या देखिए, देखिए पीछे या देखिए, देखिए सरकार ये और एक काम और हम लोगों ने किया वीआईपी, पहले वीआईपी का चर्चा था, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जो गुंडे बदमाश हैं वो लाल बत्ती की गाड़ी पर बैठकर जो है घूमते थे, अब सारे पुलिस वाले डर के मारे घूम नहीं, लाल बत्ती लगी थी, लाल बत्ती की खौंस रहती थी। हम लोगों के केंद्र में सरकार बनी, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा अब किसी भी मंत्री की गाड़ी पर लाल बत्ती नहीं होती, वीआईपी कल्चर को समाप्त कर दिया और कहा कि भारत में कोई एक कल्चर होगा तो ईपीआई कल्चर होगा, एवरी पर्सन इज इंपॉर्टेंट, ईपीआई कल्चर लागू कर। पहली बार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर मैं भाइयों गरीबों को विशिष्ट दीर्घा में बैठाया गया था, विशिष्ट दीर्घा में यहां पर पहले वीआईपी लोग बैठे गरीबों को बैठा, इसलिए समानता भी समता का भाव है। यदि कोई राजनीतिक पार्टी पैदा कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी ही पैदा कर सकती है। और एक बहुत जबरदस्त योजना और यहां पर भी कुछ लोगों को मिली होगी, मैंने कहा भाई हमको रिकॉर्ड दे दो जरा लोगों के सामने में रखना चाहूंगा, कांच में मैं कुछ बातें प्रेस के दोस्तों से भी कहूंगा उसको वेरीफाई कर लें, मेरी बात गलत हो अखबारों में लिखे मैं अपनी गलती स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि मैं किसी के आंखों में धूल नहीं टोकना चाहता। वृद्धावस्था पेंशन जो 1 अप्रैल 2017 को इस कांच में मुरादाबाद है, मुरादाबाद या कांच है 5,445 लोगों को प्राप्त हो रही थी यह वृद्धावस्था पेंशन, आज लगभग 7,851 लोग ऐसा नहीं है कि ज्यादा लोग बूढ़े हो गए छाते, ऐसा इसलिए है कि बहुत लोग छूट गए थे उनको हम लोग दिव्यांगजन पेंशन पहले 1,972 लोगों को मिलती थी, इस समय 2,150 लोगों को। विधवा पेंशन पहले 6,162 लोगों को मिल रही थी, इस समय हम लोग 7,502 लोगों को। राशन का पहले 85,000 लोगों का भरा हुआ था उसको हम लोग 51,563 राशन कार्ड आ गए, अरे पहले राशन कार्ड भी चलता ठीक ठाक नहीं था। और ये बताइए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में ठीक ठाक मिल रहा है? 6,000 रुपया आ जाता है, मैं 6,000 रुपया आ जाता है तो मजा आता है, नहीं जब आता रहता हूं मैं कुछ तो आता हूं। अब भाई जिनके पास पैसा रखा होगा पैसा उनके 5-5,000 का तो खर्च चल जाता है। तो मैंने भाई आपका समर्थन चाहिए, बहुत दिनों के बाद आया, कहां था आया था इसके पहले? आए थे किसी आए थे रथ से आया राम रहती वीरति रंगीरा, लेकिन इस बार उड़ कर पहली बार रथ से आया था, इस बार उड़ कर आप लोग दिखाते हैं ना हमारे
विधायक महेश कुमार जी को बंपर बंपर अरे आप इतना शोर शराबा बजाकर चले जाएंगे बंपर ऑटो जिताएंगे तब तक मेरे यहां नहीं क्यों पक्का और नहीं होगा जवान तो मैं खबर करूंगा पक्का ना लेकिन नौजवानों को निकलना पड़ेगा गांव गांव जाना पड़ेगा और यमन देखिए कौन किस जाति का यमन देखिए कौन किस मजहब का जाइए मध्य दिन में तुष्टीकरण की राजनीति ने देश को बर्बाद किया है। इंसाफ होना चाहिए क्या हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो कोई भी हो सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। हमने जिंदगी में कभी भी इस प्रकार की राजनीति नहीं की। लंबे समय से उत्तर प्रदेश में भी मैंने राजनीति किया है। पिछले 15-20 वर्षों से मैं क्षेत्र की राजनीति कर रहा हूं। आप लोग देखा इसलिए मैं कहना इंसाफ की डगर पर चलो कोई माता बाबा आपको हिला नहीं इसलिए कहना भाइयों बस इतना ही मेरी आप सबसे अपील है कि आप सब राजेश कुमार जी को एक बार बम बम कर दीजिए क्यों राजेश जी अभी लोगों ने कह दिया बम बम कर देंगे इस बार बहुत भले आदमी है बहुत भले आदमी है। कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के साथ सभी प्रेक्षक गण और जिला प्रशासन की एक बैठक आहूत की गई। कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के साथ सभी प्रेक्षण गण एवं जिला प्रशासन की बैठक आहूत की गई, जिसमें अभ्यर्थियों को चुनाव आदर्श आचार संहिता और कोविड संबंधित दिशा निर्देशों के संबंध में विस्तार से अवगत कराया गया, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि चुनाव की घोषणा होने से आज तक सभी राजनीतिक पार्टियों का आदर्श चुनाव आचार संहिता के पालन में अपेक्षित सहयोग मिल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है और आशा है कि इसी प्रकार का सहयोग आगे भी मिलता रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में बताया कि कोई भी पदयात्रा, रोड शो, साइकिल, बाइक, वाहन रैली, प्रदर्शन और राजनीतिक दलों द्वारा निकाले जाने वाली शारीरिक रैलियों की अनुमति 11 फरवरी तक नहीं होगी। जनपद में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षणगण अलका श्रीवास्तव, दिनेश कुमार मौर्य और गावड़े प्रदीप केशवराय, पुलिस प्रेक्षक किशन सहाय मीणा और व्यय प्रेक्षकगण प्रवीण कुमार बाली और रविन्द्र मित्तल ने कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों को आयोग के दिशा निर्देश से अवगत कराते हुए कहा कि प्रत्याशियों को यदि किसी प्रकार की चुनाव संबंधित समस्या है तो सर्किल हाउस में निर्धारित समय पर मुलाकात कर समस्या के संबंध में अवगत कराएं। प्रेक्षकगण ने निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न कराने के साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल तथा भारत निर्वाचन आयोग के विभिन्न दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। बाद पंचायत भवन सभागार में सेक्टर मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी और जोनल मजिस्ट्रेटों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 2 सत्रों में किया गया है। मुरादाबाद पंचायत भवन सभागार में सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस अधिकारी और जोनल मजिस्ट्रेट्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 2 सत्रों में किया गया, जिसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी अनुपमा शांडिल ने सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस अधिकारी और जोनल मजिस्ट्रेट को उनके कर्तव्यों और दायित्वों के संबंध में विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराई और ईवीएम और वीवीपैट के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पीठासीन और सेक्टर मजिस्ट्रेट का चुनाव में दायित्व बहुत महत्वपूर्ण होता है। बूथ पर कोई भी समस्या आती है तो उसका निदान आपके द्वारा ही किया जाना है, इसलिए आपके पास अपनी पोलिंग पार्टी का कॉन्टैक्ट नंबर अवश्य होना चाहिए ताकि आप उनके निरंतर संपर्क में रहें और किसी भी समस्या के होने पर तत्काल उनका निराकरण कर सके ताकि चुनाव का कार्य कुशलतापूर्वक हो सके। उस मानदे का डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे और फिर वैसे ही प्रातः काल नेक्स्ट देखो इस बार पोलिंग टाइम क्या है आप लोगों को जानकारी में है? 7 बजे से प्रातः से 6 बजे तक फर्स्ट टाइम 11 घंटे का पोलिंग टाइम दिया गया है। वो कोविड को दृष्टिगत रखते हुए दिया गया है तो 7 बजे से लेकर 6 बजे तक पोल का टाइम है तो आप लोगों को समय से पहुंचना होगा क्योंकि आप ये ना सोचिए कि बाकी लोग समय से पहुंच रहे होंगे तो हमें जरूरत नहीं है।
इस अवसर पर प्रेक्षकगण अलका श्रीवास्तव, राजीव कुमार, किशन सहाय मीणा, दिनेश कुमार मौर्य सहित मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी और सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और पुलिस सेक्टर अधिकारी उपस्थित रहे। मत आप सभी का अधिकार है, इसे कदापि बेकार ना होने दें। वहीं आरएसजी एकेडमी में टीचर एडमिन पर विद्यार्थियों के लिए मतदान जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। विधानसभा चुनाव नजदीक है, जगह जगह लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है और अपील की जा रही है कि अपने मत का जरूर प्रयोग करें। इसको लेकर आरएसजी एकेडमी में आरएसजी एकेडमी टीचर एडमिन पर विद्यार्थियों के लिए मतदान जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष एसडीओ बीएसपी लोचन महामंत्री डॉक्टर निशांत गोयल, कोषाध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार, आरएसडी के निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार और जी कुमार के द्वारा कार्यक्रम को संपन्न कराया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य मतदाता को मतदान करने के लिए जागरूक करना था, जिसमें सभी ने अपने अपने विचारों द्वारा प्रेरित किया और शपथ दिलाई कि मतदान करें और देश हित में अपना पूर्ण योगदान दें। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मयंक शर्मा द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर संजय मेहरोत्रा, प्रधानाचार्य अभिषेक शर्मा, अंजू सुखीजा, सुखरानी, ज्योति गुप्ता, मुकुल सक्सेना, ज्योति पाठक, मोनिका भटनागर, श्रुति गोयल, सुप्रिया मैत्री, डॉक्टर अनूप राय आदि अध्यापक अध्यापिकाएं मौजूद रहे। कार्यक्रम वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। कार्यक्रम के अंत में आरएसडी के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर गौरव कुमार ने आए सभी अतिथिगणों का आभार व्यक्त किया। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल शिक्षा संकाय द्वारा त्रिदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के प्रांगण में किया गया, जिसका विषय भारत के महान दार्शनिक, शिक्षा शास्त्री, साहित्यकार और भारत के महापुरुष का पथ प्रदर्शन रहा। इस दौरान सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। And why you cannot find, unless otherwise you get to these philosophies. Whether these philosophies are existentialism, progressivism, and philosophies. Make them skill because they are made to do things. Unless you make them do that, you cannot make them skilled. So that why देखिए बहुत हर्ष महसूस होता है, हर्ष होता है कि हमारे शिक्षक संकाय ने एक त्रिदिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया है, जिसका विषय है भारत के महान शिक्षक शास्त्री दार्शनिक साहित्यकार एवं महापुरुषों का पथ प्रदर्शन। भारत देश की भूमिका शिक्षा के क्षेत्र में अग्रिम रही है। जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है, तभी से भारत शिक्षा प्रदान करने में अपना दार्शनिक जो एक उसको रोल प्ले करना है, उसमें हमेशा से उसने अपनी सर्वप्रथम भूमिका निभाई है। चाहे वो किसी भी संकाय, किसी भी विभाग के हों, कि किस तरह कैसे उनका जो पेडागॉजिकल स्किल्स इंप्रूव हो सकते हैं, कैसे उनको स्टूडेंट के लिए अपना जो कंटेंट का डिलीवरी ऑफ कंटेंट है वो कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम स्टूडेंट का एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसी को लेकर के आपने सभी का मार्गदर्शन करना है। शिक्षा संकाय होने के नाते आपकी ये सर्वप्रथम महत्वपूर्ण भूमिका आपकी है। मैं तीनों फेज कैसे कैसे हुए वो शेयर करूंगा थोड़ा सा। पहले फेज में जब वी वर कॉलेज एंड आफ्टर दैट वी एस्टैब्लिश्ड द यूनिवर्सिटी, और ऑनरेबल चांसलर सर टेक अ विजन टू एस्टैब्लिश द यूनिवर्सिटी। जो सेकंड जो पहला जो दूसरा फेज था उसमें हमने रिसर्च को भी कंसंट्रेट किया, बट नॉट मच दैट इतना होना था फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में। अब थर्ड फेज जो आ रहा है इस पे ये कंपोजिट है, इसे कंप्लीट पैकेज कंसेप्ट, उसमें हम एजुकेशन
उसमें भी एक नया कॉन्सेप्ट हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब ने दिया, ऑब्जेक्टिव बेस्ड एजुकेशन। उसमें हमने सीओ पीओस पीएसओस और उनकी मैपिंग, उनके एनालिसिस, दिस इज आवर थर्ड फेज वी आर एंटरिंग। इस मौके पर टीएमयू के छात्र कल्याण निदेशक एमपी सिंह, डॉक्टर आदित्य शर्मा कुल सचिव के साथ कई गणमान्य लोग मौजूद थे। राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन और जिला प्रशासन बिजनौर द्वारा मतदान जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विकास भवन बिजनौर में राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन के पदाधिकारी इकट्ठा हुए। राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन व जिला प्रशासन बिजनौर द्वारा मतदान जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विकास भवन बिजनौर में राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन के पदाधिकारी इकट्ठा हुए, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी केपी सिंह ने राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रांड एम्बेसडर चुनाव 2022 बिजनौर उत्तर प्रदेश एमआर पाशा के नेतृत्व में राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन के पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। मुख्य विकास अधिकारी केपी सिंह ने कहा कि एमआर पाशा दिव्यांग होने के बाद भी सराहनीय कार्य कर रहे हैं। एमआर पाशा ब्रांड एम्बेसडर 2022 राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन से सभी सम्मानित दिव्यांग साथियों और बुजुर्गों से अपील करता हूं कि अपने मत का 14 फरवरी को 100% मतदान करें, और जितने भी हमारे लोग पोस्टल बैलेट से वंचित रहेंगे वो भी मतदान केंद्र पर अपना मतदान करें, और पोस्टल बैलेट के जिन जिन के नाम हैं वो पोस्टल बैलेट से मतदान करें। कोई भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, एक एक व्यक्ति को सत्पित से मतदान करना है। हम यही अपील करेंगे कि आपका एक वोट लोकतंत्र में अच्छी सरकार दे सकता है, इसलिए सभी साथी एक एक वोट की अहमियत समझे और घर से निकलकर अपने मत का मताधिकार का प्रयोग करें। हम यही चाहते हैं एक 100% मतदान हो। जय हिंद जय भारत। बता दें कि शपथ समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि एमआर पाशा द्वारा अपने संगठन के पदाधिकारियों के साथ मतदान जागरूकता अभियान के तहत गांव-गांव में दिव्यांगों को जागरूक कर रहे हैं, ये बहुत सराहनीय कार्य है। 2022 विधानसभा चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर एमआर पाशा ने दिव्यांगों, बुजुर्गों व कमजोर लोगों से अपील की है कि विधानसभा चुनाव का मतदान नजदीक है, जिसमें दिव्यांगों बुजुर्गों का पोस्टल बैलेट में नाम सम्मिलित हुआ है, उनका नाम बैलेट पेपर से ही कल घर पर मतदान किया जाएगा, तथा जो पोस्टल बैलेट पेपर से वंचित रह गए थे वे सभी दिव्यांग बुजुर्ग कमजोर व्यक्ति अपने मतदान केंद्र पर जाकर 100% मतदान करें तथा दूसरों को मतदान करने के लिए प्रेरित करें, जिससे कि एक अच्छी सरकार का गठन हो सके। बिजनौर की बड़ापुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हाजी एहसान ने चुनावी मैदान में छलांग लगा दी है। पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हाजी एहसान को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है, जिसको लेकर विपक्ष के प्रत्याशियों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल बिजनौर जनपद में 8 विधानसभा हैं और बढ़ापुर विधानसभा का इलाका क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी दूर तक फैला हुआ है। वहीं इस बार बढ़ापुर विधानसभा से चुनावी मैदान में एक नया चेहरा आ गया है। वैसे तो हाजी एहसान काफी सक्रिय व समाज सेवी व्यक्ति हैं, लेकिन इस बार हाजी एहसान कांग्रेस के टिकट से बढ़ापुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। हाजी एहसान ने क्षेत्र के दर्जनों गांवों में दौरा किया और लोगों से मिलकर उनके दुख दर्द को जाना। इस मौके पर हाजी एहसान ने बताया कि पूर्व में विधायकों ने उनके क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं कराया, जिसकी वजह से वो विधायक बनते ही कई ऐसे विकास कार्य कराएंगे जिसकी जनता को बेहद जरूरत है। मेरा नाम एडवोकेट हाजी एहसान अंसारी, बढ़ापुर 19 विधानसभा कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ। मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ अपने लोकल के मेरे मुद्दे हैं, लोकल के ही इतने मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि हमारा प्रत्याशी हमें ना मिलता कभी विधानसभा का, जो भी मिलता है बाहर से आता है। बाहर का मतलब हमारी विधानसभा का नहीं होता, दूसरी विधानसभा से आते हैं, जीत कर जाते हैं यहाँ से साफ। विकास का काम ही नहीं होता, अपना लोकल प्रत्या बंदा कौन उनसे जाके अपनी समस्या का हल कराए। आज भी किसी से मिलना हो तो पहले 3,000 रुपये की गाड़ी करेगा, तब जाके विधायक से मिले, वो भी मिले वरना अपने घर आ गए वापस। और क्या क्या प्राथमिकता है? सबसे बड़ी हमारे यहाँ ये प्राथमिकता है, सबसे बड़ी शिक्षा की समस्या सबसे बड़ी है हमारे यहाँ। कोई भी ऐसा कॉलेज यहाँ नहीं है जैसे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, लड़कियों के डिग्री कॉलेज, हमारे यहाँ कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। सड़कों की बहुत बुरी हाल है, सड़क देख लीजिए आप, बढ़ापुर विधानसभा का जो भौगोलिक क्षेत्र आप उसे जांच करिए, चारों तरफ बढ़ापुर टापू पर बसा हुआ है। फिलहाल हाजी एहसान को क्षेत्र के लोगों का काफी समर्थन मिलता दिख रहा है,
जिससे विपक्षी दलों के प्रत्याशियों में अटकलें बढ़ती नजर आ रही हैं। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। राम राम, चुनाव आ रहा है, हिसाब लगा लेते हैं। पहले प्रदेश में हर चौथे दिन दंगा होता था और उन दिनों आपके व्यापार में कितना नुकसान होता था, लिख लीजिए। और भाजपा सरकार में प्रदेश में 5 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ है। कितने व्यापार खुले, कितने बढ़े, हिसाब लगा लीजिए। और सुनिए, चाय पियेंगे, कड़क है योगी जी जैसी। सोच ईमानदार, काम असरदार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाए, भाजपा को जिताए। याद है पहले अपराधी बेखौफ घूमते थे और हम अपने घरों में डर कर बैठे रहते थे। आए दिन अखबारों में किस्से छपते थे फिरौती के, और आज हम बेखौफ घूमते हैं और अपराधी जेलों में रो रहे हैं। अरे कितने साल हम डर कर रहे और कितने चैन से, हिसाब लगा लीजिए ना। सीधी बात, जो अपराधियों को ठोक देंगे हम उसी को वोट देंगे। नमस्कार। सोच ईमानदार, काम असरदार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाए, भाजपा को जिताए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। नजर डालते हैं आगे की खबरों पर। स्योहारा थाना प्रांगण में गणमान्य लोगों की एक मीटिंग का आयोजन किया गया। एसपी पूर्वी ओमवीर सिंह के नेतृत्व में चुनाव आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के संबंध में मीटिंग रखी गई थी। स्योहारा थाना प्रांगण में गणमान्य लोगों की एक मीटिंग का आयोजन किया गया। एसपी पूर्वी ओमवीर सिंह के नेतृत्व में चुनाव आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के संबंध में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में विस्तार से बताया गया। एसपी पूर्वी ने कहा कि 12 तारीख यानी 48 घंटे से पहले ही सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रचार प्रसार पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि यदि कोई भी किसी के मकान पर कोई पोस्टर या होर्डिंग लगाता है तो इसके लिए मकान स्वामी से पहले अनुमति लेनी होगी। उन्होंने कहा कि यदि एक ही गांव में दो पार्टियों के प्रत्याशी एक ही रोड पर आमने सामने आ जाते हैं और नारेबाजी एक दूसरे के खिलाफ होती है तो वहां ऐसी स्थिति में एक दूसरे के प्रत्याशी को ऐसी स्थिति में बचना होगा जिससे वहां का माहौल खराब न हो। एसपी पूर्वी ने बताया कि सभी प्रत्याशियों के नुमाइंदों को मीटिंग में बुलाया गया और सभी को आचार संहिता का पालन करने की हिदायत दी गई। यदि किसी प्रकार की शिकायत मिली तो उसके खिलाफ उचित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज जो इलेक्शन की प्रक्रिया चल रही है उसके संदर्भ में सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था, शहर के सभी संभ्रांत लोगों को बुलाया गया था, और जो इस समय प्रचार चल रहा है उसके बारे में जो भारतीय चुनाव आयोग के और स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार की जो कोविड के संबंध में गाइडलाइन है उनसे लोगों को रूबरू कराया गया है तथा एमसीसी का अनुपालन सारे कैंडिडेट करें इसके बारे में भी उनसे आग्रह किया गया है कि जो हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके तहत रहकर ही अपना प्रचार करें। उससे अगर इत्र जाएंगे तो निश्चित रूप से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, और क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है इलेक्शन, आइडियोलॉजिकल वार है, लोग अपनी हर व्यक्ति अपनी अंतरात्मा से स्वचेतना से वोट देने के लिए अपना नुमाइंदा चुनने के लिए फ्री है। पुलिस प्रशासन की पूरी भूमिका ये है कि पूरी जो चुनाव प्रक्रिया है वो निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो, किसी को टीका टिप्पणी करने का मौका ना मिले, और अगर किसी को कोई संदेह हो तो वो भी हमने राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से पूछा है। सभी लोगों ने अभी तक संतुष्टि जताई है और विश्वास भी दिलाया है कि जो भी एमसीसी का अनुपालन करते हुए और कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए सही तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरे क्षेत्र में इलेक्शन कराया जाएगा। मीटिंग का संचालन इकबाल रूमानी ने किया तथा अध्यक्षता एसपी पूर्वी ओमवीर सिंह ने की। सभा में नगर के सभी गणमान्य लोगों के अलावा समस्त पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। पहाड़ों पर हो रही भारी बर्फबारी के बाद सुबह से ही रिमझिम बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। लगातार सुबह से रिमझिम बारिश पड़ रही है, आसमान में काले बादल छा गए हैं। दिन निकलने के साथ ही रिमझिम बरसात से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा।
पहाड़ों पर हो रही भारी बर्फबारी के बाद सुबह से हो रही रिमझिम बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। लगातार सुबह से रिमझिम बारिश पड़ रही है। सुबह आसमान में काले बादल छा गए। दिन निकलने के साथ ही रिमझिम बरसात शुरू हो गई। सूरज के नहीं दिखने और रिमझिम बरसात से मौसम में ठंडक हो गई। लगातार चल रही ठंडी हवाओं ने भी लोगों को सर्दी का एहसास कराया। लगातार पड़ रही रिमझिम बारिश और ठंडी ठंडी हवाओं से खुले आसमान के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का हाल मुहाल है। वहीं मुरादाबाद में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम नजर आई। लगातार पड़ रही रिमझिम बारिश से ठंडक भी काफी बढ़ गई है, जिसको देखते हुए लोगों ने घरों में रहना ही उचित समझा है। भगतपुर क्षेत्र के ग्राम खरखेता में चल रही साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का समापन हो गया। कथा के समापन के बाद हवन, यज्ञ और भंडारा हुआ। भगतपुर क्षेत्र के ग्राम खैरखाता में चल रही साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का समापन हो गया। कथा के समापन के बाद हवन, यज्ञ और भंडारा हुआ। इसमें शामिल होने वाले श्रद्धालुओं ने जयकारे भी लगाए। भागवत कथा का आयोजन ठाकुर समुदाय ने कराया। करणी सेना के पदाधिकारियों, जिला पंचायत सदस्य छोटू बाबा समेत गाँव के लोगों ने हवन किया। हवन के दौरान कथा विजय शास्त्री ने कहा कि आत्मा को जन्म व मृत्यु के बंधन से मुक्त कराने के लिए भक्ति मार्ग से जुड़कर सत्कर्म करना होगा। उन्होंने कहा कि हवन यज्ञ से वातावरण एवं वायुमंडल शुद्ध होने के साथ साथ व्यक्ति को आत्मिक बल मिलता है। व्यक्ति में धार्मिक आस्था जागृत होती है। दुर्गुणों के बजाय सद्गुणों के द्वार खुलते हैं। यज्ञ से देवता प्रसन्न होकर मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। भागवत कथा के श्रवण से व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है। श्रीमद् भागवत से जीव में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के भाव उत्पन्न होते हैं। इसके श्रवण मात्र से व्यक्ति के पाप पुण्य में बदल जाते हैं। विचारों में बदलाव होने पर व्यक्ति के आचरण में भी स्वयं बदलाव आता है। इस मौके पर घर ठाकुर, अभिरित प्रताप, जिलाध्यक्ष युवा शक्ति मुरादाबाद, प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर शेखर चौहान, प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा, जिला पंचायत सदस्य छोटू महाराज, जिला उपाध्यक्ष युवा शक्ति ठाकुर अभिषेक सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष सौरभ ठाकुर, जिला उपाध्यक्ष चैतन्य राणा, प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक राघव और ठाकुर अशोक सिंह आदि करनी सैनिक रहे। कुंदर की विधानसभा 29 में समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार जियाउर रहमान वर्ग के चुनाव प्रचार को लेकर संबल सांसद शफीकुर रहमान वर्ग ने सपा से उम्मीदवार अपने पोते वर्ग के लिए क्षेत्र में तूफानी दौरा किया। कुंदरकी विधानसभा 29 में समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार जियाउर रहमान बर्क के चुनाव प्रचार को लेकर संबल सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने सपा से उम्मीदवार अपने पोते जियाउर रहमान बर्क के लिए क्षेत्र में तूफानी दौरा किया। विधानसभा क्षेत्र में पूर्व राज्यसभा सांसद जावेद अली खान और दर्जनों सपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ कई जनसभाओं को संबोधित करते हुए सपा उम्मीदवार के लिए जनता से वोट मांगे। ग्राम पंचायत छपर्रा में सपा नेताओं का नेता फुरकान चौधरी ने फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया और सपा के उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया। इस बार क्षेत्र की जनता अन्य पार्टियों के उम्मीदवारों का यहां से सूपड़ा साफ कर देगी। दूसरी ओर ग्राम पंचायत चमरोआ में लाओ लश्कर के साथ पहुंचे संबल सांसद बर्क और पूर्व राज्यसभा सांसद जावेद अली खान का अनीस चौधरी द्वारा रखी गई एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए स्वागत हुआ। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से प्रदेश को भाजपा की योगी सरकार ने पूरी तरह बर्बाद कर रहा है, वहीं प्रदेश के नौजवानों को नौकरी की जगह नौकरी मांगने पर लाठी डंडों से पुलिस पिटाई कर रही है। इस बार लाठी खाने वाले नौजवान भाजपा का सूपड़ा साफ करेंगे और उन्हें जिताएंगे, ऐसा वो कहते नजर आए। एंगल से समाजवादी पार्टी को या उनके उम्मीदवारों को नहीं है, चुनाव में एक दूसरे प्रत्याशी के बारे में टिप्पणियां की जाती हैं तो मैंने जानबूझकर के वो टिप्पणियां की हैं, कोई गलत नहीं की। जैसे एक निजी चैनल पर बैठकर माननीय सांसद जी शुभराम भगती ने एक बयान दिया था कि जो 300 यूनिट बिजली अखिलेश यादव जी फ्री देने की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा था ये तो चुनावी बयान होते हैं, बाकी आगे की डॉक्टर वर्ग साहब यहाँ मौजूद हैं, आप उसकी सफाई ले लीजिए। जब अखिलेश जी ने कहा है तो 300 यूनिट बिजली फ्री होगी और पहले भी जो अखिलेश जी ने कहा है वो हुआ है।
जिस तरह से बसपा के जो आज वर्तमान में प्रत्याशी हैं, जो पूर्व में सपा के विधायक रहे हैं, वो इस बात को कहते चले आ रहे हैं जो जनसभाओं में अपनी पब्लिक मीटिंग में कि जियाउर रहमान वर्ग को पैरासूट कैंडिडेट बना के उतार दिया और यहाँ से जो है समाजवादी की पार्टी जो है वो बाहरी प्रत्याशी उतारी, वो जीत नहीं पाएगी। जियाउर रहमान पैराशूट नहीं है, जियाउर रहमान इस क्षेत्र के होने वाले विधायक हैं। सांसद जी, लगातार विपक्ष आप पर निशाना साध रहा है। हमारा कोई विपक्ष नहीं, हम हैं विपक्ष। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिर से आ रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? हर पार्टी कहती है, लेकिन उनके लोगों को दौड़ाया जा रहा है, उनका सफाया हो रहा है। साथी जी, आपको क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में कितनी सीट जीत पाएगी समाजवादी पार्टी? अखिलेश जी ने तो 400 कहा है, हम चाहते हैं 401 जीत जाए। दो सीटें किसके लिए छोड़ रहे हैं? दो सीटें विपक्ष के नेता भी बनाने हैं योगी जी को हमें बिठा करके, बीजेपी का कोई बैठ जाएगा तो उसमें। चुनावी बिगुल है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कल मुरादाबाद दौरा है, उस पर क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं क्या कहना, चुनाव चल रहा है, सब लोग दौरा करेंगे, तो कहने क्या बात? समाजवादी पर प्रभाव पड़ेगा प्रत्याशियों पर, यहाँ पर आएगा प्रभाव पड़ने वाला है राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर? चुनाव सवाल ऐसे करो, आप तो पत्रकार हो, चुनाव में दौरा सब नेता करते हैं, सब पार्टियां करती है, कि इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है खिलाफ। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने जो 85 लाख लोगों को 2 साल से राशन मुफ्त दिया है, 85 करोड़ कहते हैं वो, 85 करोड़ लाख नहीं, 85 करोड़ 85 लाख कितने करोड़ कहते हैं, करोड़ कहते हैं। और ये उनको सोचना चाहिए कि जिस देश में 85 करोड़ लोग भूखे हों और मुफ्त राशन देना पड़े, उस देश के विकास की क्या हालत है? क्या जनता वोट नहीं दे पाएगी इतना राशन मुफ्त मिलने के बाद भी? इसको कैसे एड्रेस करेगी समाजवादी पार्टी, जो एक बहुत बड़ा वोट बैंक बीजेपी ने अपने लिए इतनी दुर्दशा कर दी कि हर व्यक्ति को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है। इस पर देखिए, जनता त्राही त्राही कर रही है, लाशों के अंबार लग गए कोरोना काल में। बीजेपी कहती है ऑक्सीजन से एक भी मृत्यु नहीं हुई, अस्पतालों की हालत चौकस रही, इतना झूठ बीजेपी बोल रही है, लोगों को यकीन नहीं है। आप ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जो सरकार चला रही है वो नाकाम रही है? जमानत जब्त हो रही है, सफाया हो रहा है। वहीं इन नेताओं को क्षेत्र की जनता ने भरोसा दिलाया और इस बार सपा उम्मीदवार जियाउर रहमान को भारी मतों से जिताकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। 350 पार और एक मैं शेर लूंगा, हाँ 350 पार। क्या पूछना चाह रहे सर? अभी मैंने राजेश सांसद जी ने 401 कही थी और अब आप 350 पार? नहीं नहीं साहब, मेरा अनुमान है, उनका अनुमान अलग है, वो बड़े लीडर है, मैं छोटा लीडर हूँ, उनकी बात वो उनकी बात है, उनके साथ है। क्या पार्टी कार्यकर्ता में कॉन्फिडेंस नहीं? नहीं नहीं, पूरा कॉन्फिडेंस इंशाल्लाह, और सरकार उत्तर प्रदेश की वादियों में हमारी बनेगी। एक शेर सुन लीजिए मेरी जान, नफरत कोई जहां से मिटाकर रहेंगे हम, हर घर पे एक साइकिल का झंडा लगाकर रहेंगे हम, और यूं ही अजम अगर जागता रहा तो इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को बनाकर रहेंगे हम। जिस तरीके से कुनरकी विधानसभा में बसपा के जो प्रत्याशी हैं कहीं ना कहीं जीतते नजर आ रहे हैं, और आपने कहा था उन्हें एक ऐसे पक्षी से कटवाएंगे जो सूखेगा भी और मर जाएगा, वो क्या है पूरा मामला बताएं जरा? कि तूने फरेब देके जो लूटा है बागवां, तूने फरेब देके जो लूटा है बागवां, ये बात तुझको याद दिलाकर रहेंगे हम, और यूं ही अजम अगर जागता रहा तो इंशाल्लाह 14 तारीख में हाथी के सूंड में चैंटी से कटवा कर रहेंगे हम। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस बार इस चुनावी रण में कौन विजयी होता है। मौसम के बिगड़े मिजाज से एक बार फिर किसान मुश्किल में घिर गए हैं। बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं, सरसों और आलू की फसलों पर संकट खड़ा हो गया है। जिले में सुबह से ही भारी बारिश दर्ज की गई। मौसम के बिगड़े मिजाज से एक बार फिर किसान मुश्किल में घिर गए हैं। बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं, सरसों और आलू की फसलों पर संकट मंडरा रहा है। जिले में सुबह को बारिश दर्ज की गई। भगतपुर, मूड़ा पांडे, भोजपुर के आसपास के इलाकों में ओले पड़े। उधर बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जल भराव से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जनवरी माह के समय फरवरी माह शुरू होते ही बारिश परेशानी का सबब बन गई। भगतपुर क्षेत्र में सुबह से ही बारिश हुई। ग्रामीणों ने बताया कि पहले सूखे ओले पड़े और उसके बाद बारिश शुरू हो गई।
वहीं आलू लगाने वाले किसानों का कहना है कि बारिश से सरसों और आलू की फसल को नुकसान होगा। ये तो रात से पड़ रही है। अच्छा, पर तो पहले भी बहुत दिनों से रही है। हाँ। बीच में रुक गई थी कैसे? बीच में रुक गई थी, दो चार अच्छा। दिन का वो हो गया था तो लग गया था कुछ फसल पैदा हो जाएगी। अब तो सब फसल मारी गई, मटर की पूरी फसल मारी गई। अच्छा अच्छा, क्या रात सूखा वाला पड़ा था? सूखा वाला पड़ा, कुछ देर खूब अच्छा हो गया। अच्छा, इस बारिश से किन किन फसलों को ज्यादा नुकसान है? नुकसान लाइयों को और मटर को तो बहुत ही है, ज्यादा ही है साहब। अच्छा। मटर तो चली गई समझो। अच्छा, और गहरे खेतों का गेहूँ भी मारा। और गन्ने को कैसा, क्या है फायदा या क्या? गन्ने को तो चलो खैर फायदा ना, तो नुकसान भी ना है, मगर मटर को, सरसों की फसल को और गेहूँ को नुकसान है। अच्छा, आप जो आपने क्या बोया, आप गेहूँ बोई या मटर? मटर बोई है, कुछ गेहूँ बोया है, कुछ लाई बोई है, वही तो थोड़ी थोड़ी सभी चीज हो गए किसान। अच्छा, लेकिन लाई और मटर तो बिल्कुल ही मारी गई। अच्छा, मारी गई आफत में आ गई। साल तो धान भी मारा गया, तो फसल बेगे मारी गई दोनों। इस बारिश से ठंड कैसी हो गई? ठंड तो इस बारिश से बढ़ी रही है। ठंड क्या वाला था कि सुकड़े मुकड़े बैठे तो। बारिश से खेतों में जलभराव होने से आलू की फसल खराब हो सकती है। बताया गया कि सरसों की फसल लगभग नष्ट हो चुकी है। बारिश, ओलावृष्टि और शीतलहर से दिन का तापमान गिर गया। शीतलहर चलने से ठंड बढ़ गई। मुरादाबाद जनपद के डिलारी थाना क्षेत्र के गांव मासूमपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब रात के समय एक युवक का शव गेहूं के खेत में पड़ा मिला। मुरादाबाद जनपद के डिलारी थाना क्षेत्र के गांव मासूमपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब रात्रि के समय एक युवक का शव गेहूं के खेत में पड़ा मिला। आपको बताते चलें कि युवक सुबह जंगल गया था। दोपहर तक जब युवक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने युवक को इधर उधर तलाशना शुरू किया। काफी ढूंढने के बाद जब युवक का कुछ पता नहीं चला तो परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मृतक के मोबाइल के लोकेशन से तलाशना शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने गांव के उत्तर की तरफ गेहूं के खेत में शव को तलाशा। मृतक 5 भाई बहन थे जिसमें सबसे छोटा था और ट्रक ड्राइवर था जिसकी किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गला घोट कर हत्या कर दी गई। युवक की मृत्यु हो जाने के बाद परिजनों में शोक की लहर है, रो रो कर बुरा हाल है। घटनास्थल पर थाना अध्यक्ष डिलारी सुरेंद्र कुमार और क्षेत्रीय अधिकारी डॉक्टर अनूप सिंह मौके पर पहुंच गए। प्रधान जी, जी आपके गांव में, गांव के पास जंगल में एक डेड बॉडी मिली है सर, क्या है? जी सर, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं। इन्होंने फोन किया था कि हमारा लड़का गायब हो चुका। मैं ठाकुर द्वारा वहाँ से आके मैंने मालूम करा भाई कितनी उम्र है कि 20 साल लगभग। तो मैंने कहा भाई आ भी सकता, चला गया हो कहीं, आ जा और पुलिस की बात रिपोर्ट लिखा देंगे, जो भी जानकारी मिले पुलिस जिम्मेदार होगी। अच्छा, ये किसके खेत में लड़का मिला और किस टाइम मिला? ये खेत वाला तो बाहर चला गया, सुरेश पे ठेके में है ये। अच्छा, गांव से कितनी दूरी होगी इसकी? गांव से 1/2 किलोमीटर मान लो। अच्छा, क्या लग रहा है आपको इसका? साहब हम तो दिमाग परेशान है कि इसकी कोई रंजिश नहीं। अच्छा। किसी से विवाद ही नहीं, दोनों बाप बेटे बहुत सीधे सज्जन हैं तीनों ही, बल्कि कि ये कांड हुआ कैसे, हम तो चक्कर काटे हुए हैं इसमें। क्या? शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। फिलहाल खबरों के सिलसिले में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे ताजा तरीन खबरों के साथ और आप बने रहिए एसएस लोकल लाइव के साथ। आपको बता दें कि आप हमारी ये सभी खबरें फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, धन्यवाद। तुम लड़की हो, अकेली मत घुमा करो, तुम अंदर जाओ। बाहर क्या कर रही हो? ये भी तो एक जेल ही थी ना, जो किसी को दिखती नहीं थी, पर इसकी सजा हर लड़की को मिलती थी। आज प्रदेश पहले से कई गुना ज्यादा सुरक्षित है। डर से मुक्त होकर आज हम लड़कियों को कितने अवसर मिल रहे हैं, आप खुद हिसाब लगा लो। और हाँ, मेरे चैनल को फॉलो कर देना। पर मुझे अगर सड़क पर फॉलो किया तो? सोच ईमानदार, काम असरदार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। सच बताएं आपको,
हमको महामारी का डर तो था ही, साथ डर था बच्चों को खिलाएंगे का। फिर एक थैली राशन मोदी जी से आया और एक थैली योगी जी, वो भी बिल्कुल मुफ्त। अब देखो भैया, योजनाओं के नाम तो हमको आते नहीं, पर हिसाब करना जरूर आता है कि किसकी नीयत साफ है और किसकी टोपी में दाग है। अरे जो टोटी चुराते हैं वो रोटी क्या खिलाएंगे। सोच ईमानदार, काम असरदार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।